हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट वर्क अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर से। इसमें हम लोग करने वाले हैं उस वर्क का टाइटल, राइटर, पब्लिकेशन डेट और शॉर्ट समरी, और साथ ही साथ उसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो आप लोगों के इन्हीं चार जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बुक का नाम होगा, या राइटर होगा, या पब्लिकेशन डेट होगा, या बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं उनको, उन इवेंट्स को पूछ लिया जाता है या कैरेक्टर्स को पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप 20 वर्क्स कर लेते हैं, 20 वर्क्स के नोट्स आप हर कंट्री से कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने कनेडियन किया था, इसी तरह से अफ्रीकन करने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों का जो सबाल्टन है उसे करने वाले हैं। तो अभी वैसे हम ये कर रहे हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, लेकिन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी की, तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है हर एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्क है आप लोगों का मॉबी डिक बाय हर्मन मेलविल। ये आप लोगों का पब्लिश हुआ था 1851 में। द नॉवल फॉलोज कैप्टन अहैब्स ऑब्सेसिव क्वेस्ट टू हंट द वाइट व्हेल मॉबी डिक। तो व्हाइट व्हेल का नाम क्या था? मॉबी डिक था। समटाइम्स इट विल बी आस्क्ड लाइक क्वेश्चन, देयर विल बी सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट वाज द मॉबी डिक और व्हाट एनिमल वाज यू नो प्रेजेंटेड इन द वर्क। सो काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड देयर। तो आपका आंसर होगा व्हाइट व्हेल व्हिच कॉस्ट इज हिम हिज लेग, नैरेटेड बाय इश्माइल। तो यहाँ पे जो नैरेटर है वो कौन होता है? इश्माइल होता है। एंड द स्टोरी एक्सप्लोर्स द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ऑब्सेशन। यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन कौन से? कैप्टन अहैब है, इश्माइल है, क्विकवेब है, उसके अलावा स्टारबक है, मॉबी डिक है। ठीक है, मॉबी डिक आप लोगों को पता है यह क्या है? व्हाइट व्हेल है। लिटरेरी जेनर की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों की नॉवल है, एडवेंचर एंड एपिक के फॉर्म में आता है। वैसे इसे हम एडवेंचर नॉवल मान के चलें तो ज़्यादा बेटर है। लिटरेरी एरा कौन सा? अमेरिकन रिनेसा पीरियड में इसको लिखा गया है। थीम से आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्सेशन, रिवेंज, द सप्लाई, फेट वर्सेस फ्री विल एंड द लिमिट्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट जो वर्क है आप लोगों का वो है द ग्रेट गैट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड। पब्लिकेशन ईयर है 1925। मॉडर्न डे का वर्क है। सेट इन रोरिंग ट्वेंटीज द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ जे गैट्सबी अनरिक्विटेड लव फॉर डेजी ब्यूकानन एंड क्रिटिक द अमेरिकन ड्रीम थ्रू द लेंस ऑफ वेल्थ, क्लास एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? जे गैट्सबी है, निक कैरवी है, डेजी ब्यूकानन है, टॉम ब्यूकानन, जॉर्डन बेकर। नॉवल है और एक ट्रेजेडी है जिसमें कि लास्ट में जो गैट्सबी है वो मर जाता है। मॉडर्निज्म मॉडर्न पीरियड का वर्क है, द अमेरिकन ड्रीम। थीम्स की हम बात करें वेल्थ एंड क्लास, लव एंड ऑब्सेशन, मॉरल डिके एंड आइडेंटिटी। टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। ये आप लोगों की नॉवल है, 1960 में पब्लिश हुई थी। द नॉवल एक्सप्लोर्स रेशियल इनजस्टिस इन द डीप साउथ थ्रू द आईज ऑफ यंग स्काउट फिंच, हुज फादर एटिकस फिंच डिफेंड्स अ ब्लैक मैन रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग अ वाइट वुमन। स्काउट फिंच, एटिकस फिंच, टॉम रॉबिन्सन, बू रेडली एंड जेम फिंच, ये आप लोगों के कॉल से, ये आप लोगों के कैरेक्टर्स हैं। इसमें लिटरेरी जेनर की बात करें तो ये नॉवल है आप लोगों का सदर्न गॉथिक है। कमिंग ऑफ एज का वर्क है। मॉडर्निज्म मॉडर्निस्ट पीस ऑफ आर्ट है। रेशियल इनजस्टिस, मॉरलिटी, इनोसेंस, एम्पैथी एंड द को एग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल, दीज आर द थीम्स। द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन बाय मार्क ट्वेन। पब्लिकेशन ईयर है आप लोगों का 1884। द नॉवल फॉलोज हक फिन एज ही ट्रेवल्स डाउन टू मिसिसिपी रिवर। कौन सी रिवर मेंशन है? ये भी कई बार क्वेश्चंस आप लोगों पूछे जाते हैं। तो मिसिसिपी रिवर वहाँ पर क्या है मेंशन की गई है। विद जिम एंड एस्केप्ड स्लेव एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ फ्रीडम, फ्रेंडशिप एंड सोसाइटल नॉर्म इन प्री सिविल वॉर अमेरिका। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? हकलबरी फिन, जिम एंड टॉम सॉयर, पैप फिन, द ड्यूक एंड डॉफिन। नॉवल है, रियलिस्टिक नॉवल है। एंड थीम्स की हम बात करें तो फ्रीडम, रेसिज्म, फ्रेंडशिप, मॉरलिटी एंड द हिपोक्रेसी ऑफ सिविलाइजेशन। द स्कारलेट लेटर बाय नेथनल हाउथन, ये आपका पब्लिश हुआ था 1850 में। समरी, सेट इन प्योरटन न्यू इंग्लैंड द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ हेस्टर प्रायन हु इज कंडेम्ड टू वियर अ स्कारलेट ए फॉर एडल्ट्री, एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ सिन, गिल्ट एंड रिडेम्पशन। यहाँ पे आप लोगों को ये पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का सिंबल है, इसीलिए इसमें ऐड कर दिया था। तो सिंबल ए जो है वो एडल्ट्री के लिए सिंबल था आप लोगों का, ठीक है। और बैकग्राउंड वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेस्टर प्रायन पर्ल रिवर
रेवरिन आर्थ डेम्सडेल, रॉजर क्लिंगवर्थ, ये इसके कैरेक्टर्स हैं। लिटरेरी जेनर नॉवल है अमेरिकन रिनेसा लिटरेरी एरा, सिन गिल्ट रिडेम्पशन सोसाइटल जजमेंट इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, ये थीम्स हैं आप लोगों की। बिलोवड बाय टोनी मॉरिसन 1987 में पब्लिश हुई थी। द नॉवल फॉलोज सीथ एन एस्केप्ड स्लेव हु इज हाउंटेड बाय द घोस्ट ऑफ हर डेड डॉटर बिलोवड दे बिलोवड द स्टोरी एक्सप्लोर्स द ट्रामा ऑफ स्लेवरी एंड स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी एंड हीलिंग। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, सीथ है, ब्लोइड है, डेनवो है एंड पॉल डी एंड बेबी सक्स। नॉवल हिस्टोरिकल फिक्शन गॉथिक में आएगा, कंटेम्प्रेरी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, स्लेवरी ट्रॉमा मदरहुड मेमोरी आइडेंटिटी एंड हाउंटिंग। द कैचर इन द राय बाय जे डी सेलिंगर, पब्लिकेशन ईयर 1951। द नॉवल फॉलोज होल्डन कॉलफील्ड डिसअफेक्टेड टीनेजर ही एज ही वॉन्डर्ड न्यू यॉर्क सिटी। देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन से वर्क में कौन सा प्लेस है, क्योंकि कई बार ये वाली चीज़ें आप लोगों को ये पूछा जाता है कि किस जगह पर ये स्टोरी सेट है, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट समरी में उस प्लेस का मेंशन किया गया है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। आफ्टर बींग एक्सपेल्ड फ्रॉम द प्रेप स्कूल ग्रैपलिंग विद द थीम्स ऑफ एलिनेशन इनोसेंस एंड द पेन्स ऑफ ग्रोविंग अप, होल्डन कॉलफील्ड फीप कॉलफील्ड मिस्टर एंटोलिनी स्टेडलर एंड सैली हायस, ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। नॉवेल है पोस्ट मॉडर्न वॉर सेकेंड मॉडर्निज्म टाइमिंग है। एलिनेशन इनोसेंस आइडेंटिटी लॉस एंड फोनिनेस ऑफ एडल्ट वर्ल्ड, ये इसके थीम्स हैं। नेक्स्ट वर्क है आप लोगों का द ग्रेप्स ऑफ रैथ बाय जॉन स्टेनबैक, पब्लिकेशन ईयर है 1939। सेट ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द नॉवेल फॉलोज द जॉर्ज फैमिली, ये जोड फैमिली की स्टोरी है। दे एज दे माइग्रेटेड फ्रॉम डस्ट बाउल टू कैलिफोर्निया इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ कन्फ्रंटिंग पॉवर्टी इनजस्टिस एंड द हार्श रियलिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। टॉम जॉर्ड मा जॉर्ड एंड पा जॉर्ड, जिम कैसी एंड रोज ऑफ सैरन, ये इसके कैरेक्टर्स हैं। लिटरेरी जेनर के नॉवल सोसाइटल कमेंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। रियलिस्टिक वर्क है, रियलिस्टिक नॉवल है। मॉडर्निज्म सोसाइटल इनजस्टिस इन अमेरिकन ड्रीम पोइट्री फैमिली एंड सर्वाइवल होप, इसके थीम्स है। इनविजिबल मैन बाय राल्फ एलिसन है 1952। समरी की हम बात करें, द नॉवल फॉलोज एन अननेम्ड अफ्रीकन अमेरिकन नैरेटर एज ही ग्रैपल्स विद द रेशियल प्रेजुडिस एंड हिज सर्च फॉर आइडेंटिटी इन अ सोसाइटी दैट रिफ्यूजेस टू सी हिम एज एन इंडिविजुअल। कैरेक्टर कौन कौन से हैं, द नैरेटर ब्रदर जैक रैस एंड एक्सॉर्टर टॉड क्लिफ्टन डॉक्टर ब्लेडसो। लिटरेरी जेनर नॉवेल सोसाइटल सोशल कमेंट्री मॉडर्निज्म लिटरेरी एरा पोस्ट मॉडर्न पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। रेस आइडेंटिटी इनविजिबिलिटी पावर एंड सर्च फॉर सेल्फ सोशल इनजस्टिस, दीज आर द थीम्स। स्लॉटर हाउस बाय कुर्ट वॉगमन आप लोगों का है, वॉन गिट सॉरी। तो पब्लिकेशन ईयर आप लोगों को याद करना है 1969। समरी, द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ बिली पिलग्रिम अ सोल्जर हु बिकम्स इन टाइम एंड एक्सपीरियंस हिज लाइफ आउट ऑफ सीक्वेंस इंक्लूडिंग हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द बॉम्बिंग ऑफ ड्रेस्डन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बिली पिलग्रिम रॉलैंड वेरी किलगोर ट्राउट एज अ डाबी वेल्सिया मॉबल, ये आप लोगों को कैरेक्टर्स लर्न करने हैं। इनमें से अगर आप कैरेक्टर्स वन और टू कैरेक्टर्स फर्स्ट आप लोगों को क्या करने हैं, एक दो कैरेक्टर याद कर लें। देखिए कैरेक्टर याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको पहले सारे कैरेक्टर्स लर्न नहीं करने हैं, आपको क्या करना है फर्स्ट एक कैरेक्टर याद कर लीजिए, फिर उस कैरेक्टर के सामने जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर लेते हैं। तो एक या दो आप लोग कर लीजिए, बाकी आप लोग देखेंगे और बार बार इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आप लोगों को कैरेक्टर्स ऑलरेडी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और पब्लिकेशन ईयर के लिए तो आपको मैंने बताया है कि आप लोगों को कार्ड्स बना लेने हैं, ठीक है। एक साइड अगर आप कार्ड के लिख लेंगे 1929 और इस साइड आप लिख लेंगे द साउंड एंड द फ्यूरी, तो बहुत मज़ा आएगा आपको स्टडी करने में। तो इस तरह से आप लोग स्टडी कीजिए इसको। लिटरेरी जेनर की हम बात करें तो नॉवेल साइंस फिक्शन एंटी वॉर, इसमें लिटरेरी एरा पोस्ट मॉडर्निज्म थीम्स वॉर फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनेशन टाइम ट्रॉमा एंड एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। दिस साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम फॉकनर पब्लिकेशन ईयर है 1929।
समरी द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ कॉम्सन फैमिली वंस एरिस्टोक्रेटिक सदर्न फैमिली इन डिक्लाइन. द नैरेटिव इज प्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ मेंटल डिसेबल्ड मैन. बेंजी हाईलाइटिंग थीम्स ऑफ मेमोरी टाइम एंड डिके. कैरेक्टर्स की बात करें तो बेंजी कॉम्सन, क्विंटन कॉम्सन, कैडी कॉम्सन एंड जेसन कॉम्सन एंड डिल्स. नॉवल है सदर्न गॉथिक में आएगी और मॉडर्निज्म से रिलेटेड है. लिटरेरी एरा जो है वो मॉडर्निस्ट है. ठीक है. टाइम, मेमोरी, डिके, फैमिली, साउथ, द साउथ आइडेंटिटी, ये सारी आप लोगों को थीम्स देखने को मिलेगी. देयर आइज वर वॉचिंग गॉड बाय जोरा नील हर्स्टन 1937 में पब्लिश हुई है. द नॉवल फॉलोज जेनी क्रॉफोर्ड्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी थ्रू हर मैरिजेज टू थ्री वेरी डिफरेंट मैन. सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ इन द अर्ली 20th सेंचुरी. कैरेक्टर्स जेनी क्रॉफोर्ड, लॉगन क्लिक्स, जॉय स्टार्क्स, टी केक. लिटरेरी जेनर नॉवल अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर बिल्डिंग्स रोमन. लिटरेरी एरा हालम रेनेसा का ये टाइम है. अगर आपको ये नहीं पता तो आप चैनल पर हालम रेनेसा वाली वीडियो देख सकते हैं डिटेल में. आइडेंटिटी, जेंडर, रोल्स, लव एंड मैरिज, रेस एंड कम्युनिटी, ये आप लोगों को थीम्स इसमें देखने को मिलेगी. द एज ऑफ इनोसेंस बाय एडिथ वार्टन. पब्लिकेशन ईयर है 1920. द नॉवल एक्सप्लोर्स द कॉन्स्टेंट्स इन सोसाइटी इन 1870s न्यूयॉर्क, फोकसिंग ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल डिजायर एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस थ्रू द स्टोरी ऑफ न्यूलैंड आर्चर हु इज टॉर्न बिटवीन द टॉर्न हिज फियांसे एंड फॉरबिडन लव. न्यूलैंड आर्चर, एलिन ओलेंस्का, मेरी वेलनेंट, मिसेस मैंसन मिनकॉट, ये आप कैरेक्टर्स हैं. लिटरेरी जेनरा नॉवल रियलिज्म, रियलिस्टिक वर्क है. सोसाइटी एंड क्लास, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, लव, ड्यूटी एंड रिप्रेशन. लीव्स ऑफ ग्रास बाय वॉल्ट विटमैन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. 1855 में हुआ था, इसके मल्टीपल एडिशन आए थे लेकिन फर्स्ट पब्लिश हुआ था आपका 1855 में. दिस लैंडमार्क कलेक्शन ऑफ पोएट्री सेलिब्रेट्स द ह्यूमन स्पिरिट, डेमोक्रेसी एंड ब्यूटी ऑफ द अमेरिकन लैंडस्केप. वाइट मैन्स फ्री वर्ड्स एंड एक्सपेंसिव विजन हैव मेड इट वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क इन अमेरिकन लिटरेचर. वेरियस इसमें पोएटिक पर्सोना है क्योंकि पोएट्री का कलेक्शन है. अमेरिकन रेनेसा से रिलेटेड है. डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म, नेचर, द बॉडी एंड द सोल, अमेरिकन एक्सपीरियंस, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको इसमें पोएट्री देखने को मिलेगी. द रेड बैच ऑफ करेज बाय स्टीफन क्रेन 1895 अमेरिकन सिविल वॉर पर सेट है. द नॉवल फॉलोज हेनरी फ्लेमिंग, अ यंग सोल्जर हु ग्रैपल्स विथ फियर, करेज एंड द हार्श रियलिटी ऑफ बैटल, अल्टीमेटली कन्फ्रंटिंग हिज ओन नोशन ऑफ हेरोइज्म. हेनरी फ्लेमिंग, जिम कॉन्क्लेन, विल्सन एंड द टैटर्ड सोल्जर, ये कैरेक्टर्स हैं आप लोगों के. लिटरेरी जेनर की बात करें तो नॉवल है, वॉर फिक्शन है, रियलिज्म, नेचुरलिज्म से रिलेटेड है. जो एरा है वो नेचुरलिज्म का है. करेज एंड कॉवर्डाइज, द रियलिटी ऑफ वॉर, फियर एंड आइडेंटिटी एंड ऑनर. दिस सन ऑल्सो राइजेज बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है. पब्लिकेशन ईयर की हम बात करें तो 1926 में पब्लिश हुआ था. द नॉवल क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट्स इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर्स फर्स्ट यूरोप, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन दियर डिसल्यूजनमेंट एंड सर्च फॉर मीनिंग इन अ वर्ल्ड चेंज्ड बाय द वॉर. कैरेक्टर्स जेक बार्नेस, लेडी ब्रेट एशले, रॉबर्ट कॉन, विल गॉर्डन एंड माइक कैंपल. नॉवल है एंड लॉस्ट जनरेशन वाले पार्ट से है. ठीक है, लिटरेरी एरा से है. डिसल्यूजनमेंट, द लॉस्ट जनरेशन, मैस्कुलिनिटी एंड लव एंड एमलेसनेस. सॉन्ग ऑफ सोलोमन बाय टोनी मॉरिसन, टोनी मॉरिसन की का वर्क है 1977 में. द नॉवल फॉलोज द लाइफ ऑफ मैकन, मिल्कमैन, डेट थर्ड, एन अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन मैन इन मिशिगन, एज ही एम्बार्क्स ऑन अ जर्नी टू डिस्कवर हिज हेरिटेज, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, फैमिली एंड अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर. मिल्कमैन डीड, पायलट डीड एंड गिटार बेंस, हैगर, मैकम डीड सेकेंड. अब देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड है ना डीड, इससे मुझे ध्यान आया कि व्हेन आई वाज इन अ कॉल सेंटर, मैं जॉब किया करता था 2010 में, तो वहाँ पर एक इट वाज एन इंग्लिश कॉल सेंटर, तो उसमें जॉब करते थे, तो एक आदमी का नाम था, लिखा हुआ था उसमें, उसका नाम लिखा था DEAD. ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड हिम डेड, तो काफ़ी बड़ा इशू हुआ था
प्रोनंसिएशन का थोड़ा सा कभी कभी होता है, क्योंकि कई सारे वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं या पढ़ते हुए या कई बार नहीं होते हैं या वट एवर लेवल वी हैव इन इंग्लिश, बट दिस इज़ नॉट आर नेटिव लैंग्वेज, और कई बार मिस प्रोनंसिएशन हम सभी लोग फेस करते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था, बड़ा इशू हो गया था। सो इट वाज़ आई थिंक इट इज़ डीड दैट पर्सन से लाइक मिस्टर डैड, राइट? सो इट वाज़ लाइक मिस्टर डैड बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग। ओके, सो होपफुली इट इज़ डीड। सो मिल्क मैन डीड, लाइक दैट पर्सन नेम वॉज डीड, सो आई एम रीडिंग इट डीड। सो मोस्ट प्रॉबेबली इट्स अ डीड बिकॉज पर्सनस नेम कान बी डेड। तो इस तरह से कभी कभी इशू हो जाते हैं प्रोनंसिएशन को लेके। सो कीप ऑन डूइंग थिंग्स। कई बार आप लोगों को देखा दिखाई देगा कि जो अफ्रीकन जो ज़्यादातर राइटर्स हैं उनके प्रोनंसिएशन थोड़े से मुश्किल होता है उनका प्रनाउंस करना उनको। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जस्ट उनकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, बाकी आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसको क्या पढ़ते हो क्या करते हैं। हमें जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है? एंड यू नो दैट देर इज़ नथिंग टू डू विद द लाइफ स्किल्स ऑफ दीज थिंग्स। लाइफ स्किल से कोई लेना देना है नहीं इन चीज़ों का। तो आप जैसे जॉब में आ जाते हैं, जैसे हमने UKPSC क्वालिफाई किया लेक्चरर बनने के बाद, आज तक मैंने कभी शेक्सपियर नहीं पढ़ाया, वर्ड्सवर्थ नहीं पढ़ाया किसी को। सो इट हैपन्स, लाइक दिस इज जस्ट अ जॉब, माइल स्टोन टू क्रॉस एंड टू अचीव वट एवर वी वॉन्ट टू डू, बट जस्ट गो थ्रू इट। तो आप लोगों को क्या करना है कि जहाँ पे आप लोगों को प्रोनंसिएशन अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो उसको लाइक थॉरू, ये लिखा हुआ है आप लोगों का हेनरी डेविड थॉरू, ठीक है? तो इसको आप थॉरू पढ़ो, थॉरू पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छा कोई ऐसा लिखा हुआ एक वर्ड था जो कि अमेरिकन राइट। गेट द वर्ड यू विल गो थ्रू। तो कई बार इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अफ्रीकन लिटरेचर आप, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाएंगे कभी, बट आपके सिलेबस में है तो आपको उसे करना है। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी एरा, कंटेम्प्रेरी पोस्ट मॉडर्निज्म, आइडेंटिटी हेरिटेज एंड फैमिली, फ्रीडम रेस मिथ, ये आप लोगों के थीम्स हैं। देखिए मैं आप लोगों से सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग इसमें स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों को इसे रटना है, और जो शॉर्ट PDF इस तरह के शॉर्ट नोट्स हैं वो आप लोगों को रटने ही हैं। बहुत डिटेल में जो चीज़ें हैं, स्टोरीज़ हैं, उनको हम कर लेंगे, और वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप रट लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि रट के काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती है, और गवर्नमेंट एग्जाम्स में रटना काफ़ी होता ही है आप लोगों का, और लिटरेचर में भी आप लोगों को काफ़ी रटना है, ठीक है? तो वॉल्डन बाय हेनरी डेविड थॉरू की है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आप लोगों का अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर का, 1854। दिस वर्क ऑफ नॉन फिक्शन रिफ्लेक्ट्स ऑन सिंपल लिविंग इन नेचुरल सराउंडिंग बेस्ड ऑन द थॉरूज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अ केबिन नियर वॉल्डन पॉन्ड। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ सेल्फ रिलायंस, नेचर एंड इंडिविजुअलिज्म। कैरेक्टर्स वेरियस नॉन फिक्शन प्राइमरी थॉरियस हिमसेल्फ। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को कहा कि प्रोनंसिएशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है किसमें, मतलब क्वालिफाई करने में, बट वी मस्ट यू नो गो फॉर परफेक्शन इफ़ वी कैन अचीव दैट। अगर हमें परफेक्शन की तरफ को जाना ही चाहिए, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, हर दिन इम्प्रूव करनी चाहिए, और अगर आपका प्रोनंसिएशन कहीं पर ख़राब हो रहा है तो उसे आप सर्च कर सकते हैं, इट्स टाइम फॉर गूगल। तो आप गूगल कर सकते हैं और चीज़ों को, यू कैन गूगल थिंग्स एंड यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट प्रोनंसिएशन। बट कहने का मतलब जो था मेरा, उसको आप नेगेटिव में मत लीजिए कि आपको अपना कुछ इम्प्रूव नहीं करना है या मुझे कुछ इम्प्रूव नहीं करना अपना। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन चीज़ों, ये चीज़ें माइनर चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आप हर वर्ड का प्रोनंसिएशन जाके गूगल में सर्च कर रहे हैं, नहीं भाई, उसमें आपका बहुत टाइम लगेगा, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, ठीक है? तो आप लोगों, मतलब ये मेरा मीनिंग था कहने का, ठीक है? तो आप लोग इसको ये मत मान के चलिए कि मैं कह रहा हूँ कि कभी वो काम नहीं आएगा, लेकिन अभी टाइम पीरियड है आपकी तैयारी का, आप उसमें फोकस कीजिए, ज़्यादा प्रोनंसिएशन वगैरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है इस एग्ज़ाम से। आपका सिर्फ ये है कि आपको फैक्ट याद होने चाहिए। लिटरेरी जर्नल की बात करें, नॉन फिक्शन, मेमोयर, फिलॉसफी, ट्रांसेंडेंटलिज्म से रिलेटेड है, नहीं इस पता कि ये ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर में, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। नेचर, सिंप्लिसिटी, सेल्फ रिलायंस, इंडिविजुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। नेटिव सन बाय रिचर्ड राइट, पब्लिकेशन ईयर 1940। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ बिगस आर्म्स थॉमस, एन अफ्रीकन अमेरिकन मैन इन शिकागो who commits a series of crimes exploring a systemic racism and poverty that shapes his life and choices.
कैरेक्टर्स की बात करें, विगो थॉम्स, मैरी डाल्टन, मिस्टर एंड मिसेस डाल्टन, जिन अलोन एंड बेसी। लिटरेरी जेनरा नॉवेल, सोशल कमेंट्री, रियलिज्म, मॉडर्निज्म, मॉडर्निस्ट वाला पार्ट से है, ठीक है। एरा की हम बात करें तो थीम्स रेस, पॉवर्टी, फिया, सिस्टमिक ऑपरेशन एंड गिल्ट। ऑन द रोड बाय जैक कैरियो, ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ था आपका 1957 में। द नॉवल इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ कैरियोक्स ट्रेवल्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रेंड्स, कैप्चरिंग द स्पिरिट ऑफ बीट जेनरेशन एंड एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ। देखिए ये सारे सारे जो टर्म्स हैं आप लोगों के अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप चैनल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को, जैसे बीट जेनरेशन बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल करके भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको चीज़ें, ठीक है। फ्रीडम रेबेलियन एंड द सर्च ऑफ सर्च फॉर मीनिंग, इसमें कैरेक्टर्स सेल पैराडाइज, डीन मॉरेटी, कार्लो मैक्स मार्क्स एंड मैलू एंड कैमिली। लिटरेरी जेनरा नॉवल है, ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन है, बीट लिटरेचर है, बीट जेनरेशन से रिलेटेड है। फ्रीडम रेबेलियन एंड द सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड अमेरिकन ड्रीम्स यूथ, ये आप लोगों की थीम्स हैं। अगर आप UGC नेट, TGT PGT, UP TGT PGT या उत्तराखंड के लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं या मेन लेक्चरर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7409287156। आप इस पर व्हाट्सएप करके इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप UGC नेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश ही हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, TGT PGT या पॉलिटेक्निक की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक में आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या आप उत्तराखंड जो है स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं या स्क्रीनिंग के बाद आप इंग्लिश के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम इतने सब्जेक्ट में आप लोगों की प्रेपरेशन करवा सकते हैं। UP TGT PGT आप लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।